do not. Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और ये video है 28 December यानी कि 2022 का चिंकी के birthday के एक दिन पहले का. गुड मॉर्निंग एवरीवन. और यहाँ तैयारी हो रही है, नहा के सुबह पूजा कर ली, सबके सब सो रहे हैं, एकदम अर्ली मॉर्निंग का ही टाइम है. और यहाँ तैयारी कर ली है, कल है चिंकी का बर्थडे और उसको स्पेशली जो आप हमारे घर में स्पेशल बोल लीजिए. और कीमा की टिकिया बनती है तो ये आज नॉनवेज का आइटम है. कल उसका बर्थडे है और कल थर्सडे है बृहस्पतिवार, तो उस दिन मैं घर में नॉनवेज वगैरह कुछ भी नहीं बनाती हूँ, तो ये आज ही बन रही है. एंड रेसिपी हमारी मम्मी की है और वो खाते भी नहीं है, बट रेसिपी है, घर में सब पसंद करते हैं तो वो बताएंगी और मैं बनाऊंगी. हालांकि मैं बना लेती हूँ, बट वो होता है ना बच्चों को कि नानी जैसा बनाती है वैसा, तो मम्मी आएंगी और बताएंगी, वैसे मैं बनाऊंगी. तो आज इसकी रेसिपी दूंगी. और जो नॉनवेज मतलब खाते हैं वो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत बहुत अच्छी रेसिपी है. मतलब प्योर देसी घी में बनेगी, पूरे फुल प्रोसेस फुल डिटेल्स के साथ पूरी रेसिपी आपको बताऊंगी. तो बनाना शुरू करते हैं, फिलहाल इसमें टाइम काफ़ी लगने वाला है. और एक तरफ चढ़ा दी है चाय, दूध में भी बॉयल आ गया, तो पहले तो करूंगी नाश्ता. बट इसका कुछ प्रोसेस है तो इसको पहले जो भी डाल के चढ़ाना है वो चढ़ा के उसके बाद नाश्ता करूंगी, फिर उसके बाद मम्मी को कॉल करूंगी. और ये थोड़ा रेडी भी करना है, मतलब प्रोसेस है. कीमा की टिकिया बन रही है, अभी फिलहाल इसमें कुछ नहीं हुआ है तो बताती वास्ते आस्ते आपको सब पता चलेगा. तो अभी मैं इसको गैस पर चढ़ाऊंगी और मैंने लिया है 3 किलो कीमा और ये मैं उसी का मेज़र बता रही हूँ आपको, मेज़रमेंट. तो यहाँ 3 किलो कीमा बिल्कुल अच्छे से मतलब करवा के लाए हैं और इसमें डालेंगे जो चाय मतलब जिससे पीते इतना बड़ा कप, चने की दाल, ये मैंने धो के रखी है, मतलब सब कुछ धो लिया है. कीमा भी मैंने 2 से 3 बार अच्छी तरीके से धो लिया है. तो ये डाली है चने की दाल. और मसाले जाएंगे 3 से 4 तेज पत्ता और यहाँ मैंने कम से कम 10 से 15 सूखी लाल मिर्च ली है और कुछ काली मिर्च ली है. बस इसमें अभी हिसाब से नमक डालेंगे और नमक तो बाद में भी बैलेंस कर लेंगे, फिलहाल अभी हिसाब से नमक डाल देते हैं. मैंने अभी 3 चम्मच भर के इस चम्मच से मैंने नमक डाला है. एंड कीमा धोया हुआ है तो इसमें से अभी काफ़ी पानी रिलीज होना है, तो फिलहाल मैं ये इतना छोटा ग्लास है इसका मैं 1 ग्लास पूरा पानी डाला है मैंने, दैट्स इट. और इसमें कोई मसाले नहीं जाएंगे, अच्छी तरीके से इसको मिक्स करके और गैस पे चढ़ा देंगे, वो भी फुल फ्लेम पर. तो अब मैं इसको पूरा आधे घंटे के बाद ढक्कन खोल के देख रही हूँ एंड अभी भी काफ़ी पानी है इसमें, मैंने फुल फ्लेम पर चढ़ा रखा था और इसका पूरा प्रोसेस फुल फ्लेम पर ही होगा. और चिकन मटन से काफ़ी पानी भी रिलीज़ होता है तो ये बिल्कुल जैसे बॉईल हो रहा है तो पूरा एक सार हो जाता है, वही मैंने चमचे से थोड़ा तोड़ दिया है एंड फिर से ढक दिया है. और बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग का ही टाइम है क्योंकि सब सारा काम मैंने बहुत जल्दी किया है, इसमें बहुत प्रोसेस मतलब लंबा होता है बनाने का, तो जल्दी ही शुरू कर दिया मैंने. और यहाँ दूध वाले भैया आ गए थे तो दूध भी धो के मैंने पैकेट यानी के फ्रिज में लगा दिया है. और ये उसके भी आधे घंटे के बाद मैं आपको ये क्लिप दिखा रही हूँ, तो पूरा आप समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट पूरा 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट ऐसे लग गया था. एंड जो चने की दाल डाली थी वो भी पूरी गल गई है, तो इस तरीके से चेक कर लीजिएगा. एंड अब मैं जो भी मैंने 3 से 4 तेज पत्ता डाले थे वो निकाल के, और ये अब काफ़ी ठंडा हो गया है, अच्छी तरीके से ठंडा करके ही आप मिक्सर ग्राइंडर में पीसिएगा, अदरवाइज़ फिर मतलब मिक्सी आपकी ख़राब हो सकती है.
तो यहाँ पे ये मिक्सी मेरी पुरानी भी है और इसमें पीसते पीसते मतलब समझ लीजिए 3 से 4 बार बंद भी पड़ गई थी ये। एंड इतने कम कम टाइम के लिए मैं इसको पीस रही थी ताकि बस मिक्सी बंद ना हो जाए, और ये 3 से 4 बार बंद भी हुई। और बस मिक्सी के नीचे जो एक लाल कलर का बटन निकला हुआ रहता है तो उसको प्रेस कर देते हैं 3-4 बार तो मिक्सी फिर से मतलब चलने लगती है। मुझे ये डर लग रहा था कि बस ये बंद अगर हो गई और नहीं चली तो पूरा काम रखा का रखा रह जाएगा, तो यहाँ यही मैंने बटन कम से कम 3 से 4 बार किया। एट लास्ट ये मतलब पिस गई, मेरी मिक्सी ने मेरा साथ तो दे दिया। ये मिक्सी है 2015 की, तो अब समझ लीजिए कितना टाइम हो गया है, और बस बिल्कुल यही टेक्सचर चाहिए, ऐसा ही पीसना है। तो एक बैच यहाँ पे पिस गया है, तो पहले अभी मम्मी आ गई हैं, अंदर बैठी हुई हैं, तो ले जाके दिखा लेती हूँ पहले कि भाई ठीक पिसा है या और बाकी है पीसना। देखिए ठीक है, और यहाँ पूरा ही बैच मतलब पीस लिया है मैंने कीमा का। एंड इसमें डाल रही हूँ 4 अंडे क्योंकि 3 किलो कीमा है, ये काफ़ी अच्छी खासी क्वांटिटी है, तो 4 अंडे इसमें काफ़ी हैं। अगर आप कम का बना रहे हैं, अगर आप 1 किलो कीमे का भी बना रहे हैं तो 2 अंडे तो लगेंगे ही लगेंगे। और ये डिपेंड करता है कि मतलब जब आप टिकिया बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको खुद ही मतलब महसूस होगा, जो नॉनवेज बनाते हैं वो समझ जाएंगे, तो उस हिसाब से आप अंडे मिला लीजिए। और यहीं पर मैंने नमक को बैलेंस कर लिया है, थोड़ा नमक मैंने मतलब हिसाब से ही जब मैंने कीमा चढ़ाया था बॉईल करने तब भी डाला था, तो इसी टाइम इसमें नमक बैलेंस कर लेंगे। और यहाँ मैंने थोड़ी प्याज अपने हिसाब से ज़्यादा ही मतलब काट के छील के रख ली थी, बट इतनी लग एट लास्ट ये प्याज पूरी लगी गई थी, बस ज़रा सी बच गई थी, तो प्याज बिल्कुल बारीक मतलब उसमें चॉपर में कर ली है। और हरा धनिया ये थोड़ा मोटा कटा है, आप और थोड़ा बारीक काटिएगा। हरी मिर्च है और नींबू, इसमें 1 नींबू डाला है मैंने, तो इसमें नमक नहीं डालना है, अगर इसमें नमक डाल देंगे तो ये प्याज पानी छोड़ देगी अच्छा खासा, वैसे भी पनीली रहती है। तो यहाँ पर ले आई हूँ, और मेरी मम्मी मतलब नीचे ज़मीन पे पालथी मार के नहीं बैठ पाती हैं, पैर में काफ़ी प्रॉब्लम है, एज है तो उस हिसाब से होता ही है, तो बस यहीं ऊपर बैठ गए हैं। और फूड मैट हमने बिछा लिए ताकि बेडशीट ख़राब ना हो, तो अब भरना शुरू करेंगे। ये एक प्लेट ले ली है और इसमें थोड़ा सा घी लगा लूंगी मैं, अब इसको बस भरना है और घी में एकदम देसी घी में फ्राई। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, अगर इस रेसिपी को कोई बनाएगा फॉलो करेगा तो वो घी में ही बनाइएगा, तभी इसका असली मज़ा है, तेल में इतना नहीं। तो यहाँ पे अब स्टार्ट कर दिया है टिक्कियों को भरना, और मम्मी बना रही हैं तो 1 से 2 कम से कम मैं आपको एकदम सामने से दिखा रही हूँ कि इस तरीके से आपको मतलब स्टफ़ करके पूरा भर के बनाना है, और बहुत ही इजीली गाइस बन जाता है। एंड बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कीमा लेकर मतलब टिक्किया मत बनाइएगा, अदरवाइज़ बहुत ही मोटी मोटी और भारी बन जाएंगी, और क्योंकि इतना एक्सपेंसिव है ये, तो थोड़ा पतला पतला बनाइए और आराम से 2 से 3 दिन, क्या ठंड में तो आप 5-6 दिन भी फ्रिज में रख के गर्म करके खाइए। और जब भी गर्म करें इसको तवा पर ही गर्म कीजिए, फिर से कोई घी डालने की ज़रूरत नहीं है, ओवन में नहीं, तवा में एकदम करारी सेक के खाइए आराम से। तो ये है हमारी ट्रेडिशनल रेसिपी टिक्किया, और ये किसी भी वीडियो में आपने नहीं देखा होगा, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी मम्मी की रेसिपी है, हालांकि वो नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाती हैं, बट फैमिली में पसंद करते हैं तो मतलब वो बना लेती हैं, रेडी हम लोग कर देते हैं। और इस रेसिपी में ना कम से कम 2 से 3 लोग रहें तो बहुत जल्दी बन जाता है, क्योंकि जो फ्राई करने खड़ा होगा तो फिर वो वहाँ से हट नहीं सकता है, और फिर जो स्टफ़ कर रहे हैं मतलब जो भर रहे हैं तो फिर उनको काम मतलब ज़्यादा पड़ जाता है, तो 2-3 लोग रहें तो अच्छा है मतलब, या तो फिर कम क्वांटिटी में बनाइए। तो यहाँ 1 प्लेट तो पूरी मतलब रेडी हो गई है टिक्किया बना के, तो अब इसको मतलब साथ के साथ ही फ्राई भी करना होता है। ये इतनी बन गई है और ठंड का टाइम है,
अगर ज़्यादा मतलब इकट्ठी भरेंगे तो फिर इसमें पपड़ी जम जाती है। तो अब इसको किचन में जा रही हूँ फ्राई करने, और बाकी का मम्मी भर रही है अभी। तो थोड़ी मेहनत का काम तो है, थोड़ी मेहनत का काम है ये, मगर खाने में लाजवाब है। बिल्कुल ऐसी ही बनानी है, शेप ऐसा ही देना है। अगर आप एक दो बार बनाएंगे ना तो आप बिल्कुल यूज़ टू हो जाएंगे। और यहाँ मैंने तवा चढ़ा दिया है, हम लोग स्टार्टिंग से तवे पर ही सेकते हैं घी में। और अगर आप कढ़ाई वगैरह में सेकेंगे तो फिर इसको मतलब टिकिया टूटने या फटने का बहुत डर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ये। तो कोई भी फ्लैट सरफेस का ये जो बर्तन है, जैसे तवा है या फ्लैट एकदम जो फ्राई पैन होता है, उसमें आप सेक सकते हैं। तो बहुत ही यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि बहुत ही सॉफ्टली आप इसको चिमटे से और अलट पलट करके इसको फ्राई कर लीजिए। एक बार जब ये करारी सिक जाएंगी ना, तब ये फिर नहीं फटेंगी। और आप यहाँ घी देखकर ये मत सोचिए कि 3 किलो कीमे की टिकिया बनाई है तो 1.5 किलो घी लग गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैं आपको बता रही हूँ, 250 ग्राम के करीब मेरा घी यहाँ पर लग गया था। एंड इसको फुल गैस पर नहीं मतलब फ्राई करना है, मीडियम टू लो, और बीच बीच में जैसे हल्का सा गैस को तेज कीजिए, फिर से मतलब एकदम स्लो कर दीजिए। तो एकदम मीडियम टू लो गैस पर ही इसको फ्राई करना है। और यहाँ एक एक करके मैंने सारे ही बैच सेक लिए थे, एंड सिक भी रहे थे और खाने वाले खाना भी स्टार्ट कर दिए थे। मटन की टिकिया तो आज बनाई ही है, इसका मैंने शूट नहीं किया। मैंने साथ में ये अलग से चिकन का जो कसा हुआ चिकन बनता है, तो ये भी मैंने बनाया है। तो यहाँ मतलब काफ़ी समय लग गया था मुझे टिकिया सेकने में, और फिर चिंकी ने मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा था, भाई बर्थडे बॉय ने बोला तो उसी के लिए स्पेशल बना था, एंड घर में सभी पसंद भी करते हैं। तो जल्दी इसको बनाती भी नहीं हूँ मैं जल्दी क्या, मैं बनाती ही नहीं हूँ, क्योंकि इसमें इतनी मेहनत है कि इसमें 2-3 आदमी की ज़रूरत है, और मैं हूँ अपने किचन में अकेली। और बस यहाँ बनाने लगी थी पराठे, और लच्छेदार पराठे और कीमा की स्टफ़ टिकिया। तो ये है हमारी ट्रेडिशनल रेसिपी, तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आपके फैमिली फ्रेंड्स में मैं मतलब बोल रही हूँ कि कोई भी खाएगा, कोई भी मतलब तारीफ़ किए बिना नहीं थकेगा, इतनी अच्छी ये टिकिया बनती है। तो ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और यहाँ मैंने बना लिए थे फटाफट पराठे, और अब हमारी मम्मी अंदर बैठ के मतलब अकेली पड़ गई थी, और सारी टिकिया उन्होंने ही भरी, पूरी स्टफ्ड उन्होंने ही की। उसके बाद फिर वो चिंकी को बर्थडे गिफ्ट देकर उसके बाद वो निकल गई थी। मम्मी निकल रही हैं, और बहुत हेल्प करवा दी थी मम्मी ने, तो मैं बना भी पाई। और देखिए यहाँ पैसे दिए जा रहे हैं, ये मिल रहा है चिंकी को बर्थडे गिफ्ट नानी की तरफ से। और सबसे बड़ी बात ये है कि मम्मी आई और इतना मतलब मेहनत करके पूरा मतलब बनवा के मेरे साथ गई हैं उसके लिए। तो ये मतलब घर के जो बड़े रहते हैं, जो बच्चों को बहुत ही प्यार करते हैं, तो वो ये काम वो ही कर सकते हैं। तो चिंकी यहाँ हो गया है बेहद खुश, और मम्मी निकल गई हैं, और अब लगाऊंगी चिंकी की प्लेट। तो मैंने वही बोला कि यहीं बैठ के हम टिकिया भी भर रहे थे, तो ये मतलब कपड़ा धोने का है, तू इससे गद्दी को साफ़ कर झाड़, और मैं तेरी प्लेट लगा के लेकर आती हूँ। बाद में मैं नीचे से झाड़ू पोछा तो करना ही है मुझे। ये चिंकी की फरमाइश थी, तो मम्मी ने आके बनवाया साथ में, यही बर्थडे गिफ्ट है। बर्थडे तो कल है, खा के बताएगा कैसा बना है। स्पीचलेस हेवनली। ये प्लेट्स दिखा देती हूँ आपको, बस इसके संग किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। ये देखिए टिक्किया पराठा, और आपको किसी भी चीज की इसके साथ में जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। एंड चिंकी इज स्पीचलेस नाउ। अभी लेंगे चिंकी का फीडबैक जिसके लिए बना है ये। हेवनली हेवनली मजेदार। अभी एक साइड में बन रहे हैं पराठे, और इतनी टिकिया और बाकी रह गई हैं।
ये सेकनी है और ये बैच सिक गया है और बज रहे हैं अभी 1:40 होने जा रहे हैं दोपहर के। सुबह से बहुत मेहनत हो गई है और बस तो फिर बस इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और ये रेसिपी ऐसी है कि जो नॉनवेज पसंद करते हैं उनको पसंद ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है, इतना अमेजिंग टेस्ट है इसका, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और नॉनवेज अगर नहीं खाते हैं, अगर आपके फ्रेंड्स फैमिली में कोई नॉनवेज पसंद करते हैं खाते हैं तो उनके साथ ये रेसिपी शेयर ज़रूर कीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नई रेसिपी एक नए कॉन्टेंट के साथ। टिल देन टेक रियली रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।